और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हुए करीब एक हफ्ते का समय हो चुका है, लेकिन विरोध और विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह कार्यकारिणी पर सवाल उठा रही हैं। इससे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह विरोध जता चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ पटवारी लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन असर होता नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए, पटवारी के अध्यक्ष पद संभालने के 10 महीने बाद कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान तो हो गया, लेकिन इसने नए विवाद को जन्म दे दिया है। कार्यकारिणी के ऐलान में हुई देरी के पीछे भी यही वजह बताई जा रही थी। दावा था कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की सहमति से सूची बनाई गई, लेकिन उसके ऐलान के बाद ही बवाल शुरू हो गया। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं कि ये सूची बंद कमरे में बैठकर बनाई गई है। लक्ष्मण सिंह ने अजय सिंह की बात का समर्थन भी किया है। ये जो पीसीसी बनी है, ये बंद कमरे में बैठ के बन गई, या किसी ने इनको लिस्ट पकड़ाई, इन्होंने जाके जारी कर दी। अब ये तरीका नहीं है। अजय सिंह जी ने जो बात कही है गलत नहीं कही है। 10 जिलों से 8 जिलों से किसी को लिया ही नहीं। रीवा संभा पूरा छोड़ दिया, कटनी छोड़ दिया। अरे भाई, 40-50 सीट आपने ऐसी छोड़ दी, फिर आप सरकार बनाने की बात करते हो। पहली सूची जारी होने के बाद शुरू हुए विवाद को थामने के लिए दूसरी सूची जारी की गई थी, लेकिन डैमेज कंट्रोल की जितनी कोशिश की जा रही है, बात उतनी ही बिगड़ती जा रही है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नाराज नेताओं से चर्चा कर नेताओं को संतुष्ट करने में जुटे हुए हैं। तो जो परिवार के मेरे छोटे भाई हैं, जिनने अलग अलग तरीके से कुछ आपत्तियां पब्लिक डोमेन में आई, मैंने उनको गंभीरता से लिया, कांग्रेस पार्टी ने लिया, और उनसे मेरी लगभग से बात भी हुई। जहां तक लक्ष्मण सिंह जी का जो प्रश्न था, ये लक्ष्मण सिंह जी वो थे ही नहीं। हमने वो पथरिया के लक्ष्मण सिंह जी पूर्व नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, वो सचिव बने हैं। प्रदेश कांग्रेस में ऐसा विरोध पहली बार नहीं हो रहा है। टिकट वितरण हो या कार्यकारिणी की सूची, ऐलान होते ही सिर्फ टव्वल शुरू हो जाती है। देखना होगा कि इस बार ये विवाद और कितने दिनों तक चलेगा। INH न्यूज के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।